डायरेक्टर को डर लगता है एक्ट्रेस या एक्ट्रेस को तो डायरेक्टर डर लगता है मोदी सरकार में पत्रकारिता कर रहे हैं आपको डर लगता है क्या पूरी टीम गजरौला में अमरोहा में आई वहाँ रहने का ठिकाना नहीं और अमरोहा में कितने दिन आपने शूटिंग करी थी तो कोई डायरेक्टर के रूप में आपने ये रिस्क कितनी बार उठाया कौन कौन सी और वेब सीरीज और कौन कौन सी फिल्म ऐसी थी जिसमें आप इस तरह के प्रयोग कर पाए अमनाश भाई क्या नाम है पिक्चर का और कैसे आपने लखनऊ की वो मोहब्बत की दो गलियाँ ढूंढी कैसे सौरभ भास्कर की कई पिक्चरें ऐसी हैं जिनके अभिनय की वो आज तक लोग दाद देते हैं आज तक लोग तारीफ करते हैं और सौरभ भास्कर का एक परिचय यह भी है कि समाज में जब जब कहीं बुराई दिखी समाज में कहीं कहीं जब भी भेदभाव दिखा समाज में किसी का उत्पीड़न दिखा सौरभ भास्कर वो नाम है जो उठ के खड़ी हुई उसका विरोध किया सौरा भास्कर को भले इसकी कीमत चुकानी पड़ी हो क्योंकि समाज में जिस तरह अलग अलग जगह प्रेशर आ गए हैं फिल्म इंडस्ट्री भी उससे अधूरी अछूती नहीं रही है लेकिन सौरा ने कभी इस बात की परवाह नहीं करी कि इस कदम से इस बातचीत से उनका कुछ नुकसान हो सकता है ये बात निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है कि इस तरह के एक्टर क्योंकि एक्टर्स अभिनेता अभिनेत्री समाज का दर्पण होते हैं लोग उनसे देखकर बहुत कुछ सीखते हैं तो ऐसी सौरा हमारे बीच में है बातचीत करेंगे पहले एक बार ताली सौरा के लिए शानदार धाली मेरे बीच में अविनाश दास हैं एक बेहतरीन डायरेक्टर अभी मैं बाकी पर्चे उनके मुंह से आपको सुनवाऊंगा <laughs> <laughs> अविनाश जी को मैं डायरेक्टर कहूँ तो ये कम है अविनाश जी देश के एक बेहतरीन पत्रकार रहे हैं वो देश के बड़े अखबार भास्कर के संपादक रहे वो एन में बहुत बड़ी पोस्ट पे रहे और पता नहीं कैसे उनका दिमाग घूमा बम्बई पहुँच गए और बम्बई पहुँच के एक से एक शानदार पिक्चरों की उन्होंने रचना कर डाली अविनाश भाई से बहुत व्यक्तिगत मेरा चुड़ा फोर पी म्यूजिक कि अगर जन्म लिया तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण अवनाशी हैं वो समुद्र का तट है जिस वहाँ बैठ के हम लोगों ने रात के चार बजे तक मैं अचानक दिल्ली से मुंबई गया मेरा कोई प्लान नहीं था और मेरी ज़िंदगी में ये अचानक कई बार हुआ है और फिर वो कई बड़े बड़े मुकाम हासिल हो गए हैं दिल्ली में एक बार गया था लगभग आज से पाँच महीने पहले फिर मेरे को ख्याल आ गया कि मुंबई में मैं गया नहीं गया हूँ तीन चार सालों से और मुंबई में महाराष्ट्र में जो मेरा गूगल रिकॉर्ड बताता है यूपी के बाद सबसे ज़्यादा मेरा चैनल देखा जाता था तो वो महाराष्ट्र में देखा जाता है तो मैं तीन चार साल बाद कोई बिना वजह के मुंबई गया मैंने ट्वीट किया मैं मुंबई में हूँ अविनाश जी का फोन आया कि रात का खाना हमारे साथ खाओगे मैं उनके घर गया और फिर घर के बाद समुद्र तट पर हम लोग चार बजे तक भविष्य के बहुत सुनहरे सपने बुनते रहे उन सपनों को देखने की बात करते रहे वो सपना ज़मीन पे कैसे आए इसकी बात करते रहे और वो अचानक सा मुंबई जाना अचानक वो रात का डिनर और अचानक वो समुद्र का तट और फोर पी म्यूज़िक का जन्म हो जाना मैं लगता है कि यह अचानक ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा बड़ा हो जाता है मेरे साथ हैं इनका तो नाम ही मैं बता दूंगा तो आप आवाज़ आ जाएगी पीछे से चाचा जी तो पंचायत के वो चाचा जी पंचायत सीरियल ने पंचायत सीरीज ने इस देश में वो क्रांति कर दी तो सैकड़ों करोड़ की बड़ी बड़ी पिक्चरें नहीं कर पाती पंचायत में पहला चा उनका रोल और ख़ास तौर से उनके बेटे के निधन के बाद जो सीरीज में हुआ उसके बाद जब इनके बाल मोड़े हुए इनकी आंखों में आंसू देखे तो मैं हैरान हो गया कि ये वही फैसल भाई हैं लेकिन पंचायत में उनके रोल की सराहना हर देश के हर इंसान ने करी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं सोरा जी शुरुआत आपसे करते हैं उधर से करूँ

निर्माण देखता देखते मैं जानना चाहता हूँ कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत शिखर पे थे आप एक बड़े अखबार के संपादक थे आप एन में इतनी बड़ी पोस्ट पे थे और एन उस समय का आज का एन नहीं है उस जमाने का एन जिसकी बहुत शान शौकत हुआ करती थी ये अचानक आपका हृदय कैसे पलटा क्या कारण थे पत्रकारिता की दुनिया का जो इतना बड़ा नाम था वो अचानक मुंबई कैसे पहुंचा और आपने कैसे तय किया कि आप पिक्चर का डायरेक्शन देंगे शुक्रिया संजय भाई एक तो मैं बता दूं कि इन तमाम चीज़ों के अलावा मैं फोर पी का दीवाना हूं, है ना दीवाना क्या बात है क्या बात है? खुश हो गया मैं तो सुन के और मुझे ये लग रहा था कि आप बातचीत की शुरुआत जो है वो स्वरा से करेंगे तो उसकी बात से थोड़ा ले ले करके हम लोग अपनी बात रखेंगे क्योंकि आमतौर पर हमारी फिल्म जब हमने बनाई थी अनारकली उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसमें हम और स्वरा साथ में थे तो स्वरा मेरा हाथ पकड़ के आमतौर पर बॉलीवुड में ये बहुत कम होता है कि uh, किसी नए डायरेक्टर को इतना प्रमोट मेन uh, uh, जो प्रोडक्टिनिस्ट है वो करे तो इन्होंने किया और जो ये बोलती थी उसी में से मैं थोड़ा थोड़ा लेकर के मैं अपनी बात रखता था है ना तो बहरहाल uh, 2008-9 के आसपास मुझे लगा कि यार uh, मीडिया में मेरे जैसे लोगों की बहुत जगह नहीं है जो कुछ नया करना चाह रहा है बहुत सारी बेचैनियों से गुजर रहा है बहुत सारे आइडियाज़ जो अपने प्रबंधन को दे रहा है और उसके आइडियाज़ जो है कूड़े में डाले जा रहे हैं बहुत कुछ मैनिपुलेशन की कोशिश शुरू हो गई थी उस वक्त भी तो संयोग से सत्यमेव जैते आमिर खान का शो था उसमें मैंने मेरा आखिरी मेरी नौकरी थी और वहाँ से मुझे लगा कि आमिर खान जैसे एक्टर जब मीडिया कर सकता है तो मीडिया का एक आदमी सिनेमा क्यों नहीं कर सकता है, बाद ना? बाद है है बात बात बहुत शानदार तो फिर वहाँ से मैंने उस तरफ जाना शुरू किया और मैं बहुत हालांकि भाग्य भाग्य में, में मेरा विश्वास नहीं है मैं आपको बता दूं लेकिन फिर भी मैं इस वर्ल्ड का इस्तेमाल करूं कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे स्वराज जैसे साथी मिले जिसने मुझ में जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था बिलीव किया और कहा कि चलिए हम साथ में सिनेमा बनाते हैं तो वो साथ में सिनेमा बनाने का सफर शुरू हुआ था मेरे अकेले का नहीं था तो मैं स्वरा का इस मंच से बहुत शुक्रगुजार बहुत हूं बहुत बहुत कि उसने मेरी शुरुआत करवा दी कम से कम नहीं देखिए अविनाश जी बहुत अच्छी बातें करते हैं बहुत मीठी बातें करते हैं सच्चाई ये है कि देखो मैं चुड़ैल हूं है ना वो कहते हैं ना

मीडिया में जाता था और मीडिया वाले की तरह बात करता था कि भाई सच बोलना है फिर स्वरा मेरा हाथ पकड़ के दबाती थी कि सर इतना भी सच मत बोलो है ना तो फिर अब नाम वाम मैं ड्रॉप नहीं करता हूँ आप आप <laughs> आपको यार अब ना जी दो में आई थी अनारकली ऑफ आरा आपकी शायद पहली पिक्चर थी वो अनारकली ऑफ आरा सौरा भास्कर पंकज त्रिपाठी आपके लीड रोल में थे संजय जी थे उसमें और

इश्तियाक जी बहुत इनकी बारे में जब आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे शानदार पिक्चर है जॉली एल से लेकर तमाम बड़ी बड़ी पिक्चर पिक्चरें और वो सफ़र जो है वो सपने जैसा सफ़र है एक शख्स जो अंडा बेचा करता था शराब की दुकान के सामने उसका नाम इश्तियाक था उसकी ज़िंदगी किसी के लिए भी सपने जैसी है वो अंडे बेचने वाले शख्स ने अपनी अदाकारी से बॉलीवुड में वो पहचान बनाई मैं बात करूंगा अभी इश्तियाक भाई का भी नंबर आएगा तो अनारकली जब आप बना रहे थे एज ए डायरेक्टर कोई बड़ा पत्रकार डायरेक्टर बनता है और फिर पिक्चर बनाता है और सौरा सौरा जैसी फाइव ब्रांड एक्ट्रेस सौरा को भी हैंडल करना आसान तो नहीं होता होगा एज ए डायरेक्टर क्योंकि ये तो बिल्कुल बिल्कुल बेरोस है सौरा की जो स्थिति होती है इनसे डर भी लगता होगा डायरेक्टर को डर लगता है एक्ट्रेस से या एक्ट्रेस को डायरेक्टर डर लगता है डर रहे है, डर के तो आप मोदी सरकार में पत्रकारिता कर रहे हैं आपको डर लगता है क्या तो डर का मामला नहीं है बेसिकली स्वरा बहुत अच्छी साथी है और सिर्फ अपने किरदार को लेकर के इनका मतलब नहीं था उस फिल्म को पूरे पूरी तरह से बनाने के प्रोसेस में कदम कदम पर इन्होंने साथ दिया मुझे याद है कि सलमान खान की एक फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो जिसमें ये काम कर रही थी और मैंने उसी समय प्रोड्यूसर को बोला कि यार मेरे को कहानी को फिर से रीराइट करने की ज़रूरत लग रही है बहुत सारे लोगों के फीडबैक थे तो मुझे कहीं भेज दो तो प्रोड्यूसर हम पर चिल्लाया कि पैसे वैसे है नहीं आपको गोवा जाना है यहाँ जाना है वहाँ जाना है तो स्वरा ने कहा कि मेरा घर खाली है तो आप वहाँ पर जा कर के लिखो तो ये दस पंद्रह दिन के लिए गायब थी और मैंने इनके घर पर कब्ज़ा कर लिया था इनकी दो बिल्लियाँ थी जिनके साथ में रहता था और इस तरीके से हमारा रिश्ता था एक वो वाली कहानी बता दीजिए इनकी एक बिल्ली गायब हो गई तो आपकी कैसे हवा खराब होगी? हाँ नहीं नहीं मतलब है क्या कि कि किसी भी पेट के साथ रहने का मेरा पहला अनुभव था उससे पहले मैं कभी रहा नहीं था आज तो मेरे घर में भी है तो एक दिन दरवाजा मैंने खोला दोपहर में तो दोनों बिल्लियां भाग गई अब मुझे कांटो तो खून नहीं कि स्वरा ने अपना घर दिया उसकी दो प्यारी बिल्लियां भाग गई हैं और मेरे कांप रहे थे कि पता नहीं अब ये मेरी फिल्म में काम करेगी कि नहीं करेगी इनकी दो बिल्लियां जो गुम हो गई हैं फिर मैंने फोन नहीं किया सोरा का ऐसे ही फोन सोरा ने फोन किया कि यार ठीक है सब खाना वाना खाया मैंने कहा सब तो ठीक है लेकिन एक गड़बड़ हो गई क्या इनको लगा कि, कि मतलब कुछ लगा होगा बताऊंगा नहीं <laughs> मैंने कहा कि यार आपकी बिल्लियां जो है ना दरवाजा खोला चली गई सोरा कोई बात नहीं आप अपना काम करो और फिर मैं काम करने लगा शाम को फिर मैंने दरवाजा खोला इनकी बाई जी आई खाना बनाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला दोनों दोनों उनके पहले अंदर तो ये ये किस्सा था आपने अनारकली को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले शायद अमरोहा ना अमरोहा गजरौलामरोहा आप सोचे अमरोहा में छोटा सा जिला और अवनाश जाए भाई की पूरी टीम गजरौला में अमरोहा में आई वहां रहने का ठिकाना नहीं और अमरोहा में कितने दिन आपने शूटिंग करी थी हम लोगों ने 25-26 दिन शूट किया था बत्तीस दिन बत्तीस दिन अमरोहा में बड़ा मुश्किल होता है ना एक डायरेक्टर के रूप में इतने छोटे जिले में वो संसाधन देखना वो जगह देखना बातचीत करना बहुत सारी तैयारी होती है फिल्म की अमरोहा अमरोहा क्यों चुना चुन आपने नहीं दरअसल क्या है कि मैं बिहार में शूट करना चाह रहा था तो मैंने स्वरा को बिहार भी भेजा था बिहार वो गई मतलब आरा जैसी जगह पे उन्होंने मतलब जो स्टूडेंट का लॉज होता है वहाँ गई वहाँ के सड़कों पे गोलगप्पे खाए इसने खरीदारी की इसने वहाँ पे सब कुछ मेरा था कि बिहार में करना है लेकिन चूँकि बिहार में सहूलियत नहीं है शूट करने की बहुत सारी वजहों से तो प्रोड्यूसर ने कहा कि यूपी में करेंगे तो यूपी में घूम रहा था घूम रहा था घूम रहा था और अचानक जब मैं अमरोहा गया तो मुझे लगा कि ये तो आ रहा है क्योंकि तो हिंदुस्तान में इस तरफ के बहुत सारे शहर जो है एक दूसरे की तरह के शहर हैं तो फिर वहां हमने इस तरीके से लॉक किया था कि वो आप लोगों में से दर्शकों में से बहुत लोगों को याद होगा नेटफ्लिक्स पे एक बहुत शानदार सीरीज आई थी शी वो शी जिन लोगों ने नहीं देखी हो आज जाके देखिएगा मेरा दावा है कि अगर आप रात के नौ बजे शी देखना शुरू करेंगे तो सुबह के चार बज जाएंगे आपको आप सो नहीं पाएंगे शी इतनी बेहतरीन वेब सीरीज थी मेरे संग यही हुआ कि मैं देखने बैठा और सुबह के छः बज गए मैं ये देख रहा था तब मैं अविनाश भाई को जानता नहीं था लेकिन मैं देख रहा था कि शी जो है वो किस अब ताकत के साथ किस डायरेक्टर ने बनाई होगी बाद में मुझे पता चला कि जो अभिनेत्री हैं वो पहली बार उस सीरीज में कई ढूंढ के लाए अविनाश शी ये जो डायरेक्टर की खोज होती है कि एक इतनी बड़ी वेब सीरीज बन रही है उसके लिए एक लड़की ढूंढना जिस लड़की ने कभी इंडस्ट्री में काम ना किया उसका चयन करना बहुत बड़ा रिस्क होता है ये तो कोई डायरेक्टर के रूप में आपने ये रिस्क कितनी बार उठाया कौन कौन सी और वेब सीरीज और कौन कौन सी फिल्म ऐसी थी जिसमें आप इस तरह के प्रयोग कर पाए देखिए दान का प्रतिदान होता है जैसे स्वरा ने एक डायरेक्टर के रूप में मुझे खोजा तो आ, शी चूंकि मेरी अकेली कृति नहीं थी इम्तियाज अली उसके राइटर थे और आरिफ आ, हमारे को डायरेक्टर थे हम दोनों ने मिलकर उसको डायरेक्ट किया था तो हम लोगों ने लगभग 60-70 ऑडिशंस देखे होंगे और इस ऑडिशन पे मैं बार बार जाता था कि भाई कॉन्फिडेंस इसमें वो मुझे लगता है कि डेढ़ मिनट या दो मिनट का वो ऑडिशन था और मैं बार बार लौटता था बहुत अच्छे अच्छे नाम थे उसमें तो मैं तो सहमा सिकुड़ा हुआ सा आदमी कहाँ इम्तियाज़ अली कहाँ हम चूँकि वो क्रिएटर थे हमारे तो मैं ऐसे ही डर डर के कुछ कुछ कहता था कि यार ये मुझे लग रहा है कि ये बेटर परफॉर्म करेगी क्योंकि सोना जानती है कि परफॉर्मेंस के अलावा मेरा किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं रहता है ना मतलब मैंने इनको कितना परेशान किया है कितना टेक टेक लिए और इनका बिलीव था कि आप जब तक आपको नहीं बिलीव होना तब तक आप टेक लेते रहो तो ये स्पेस इन्होंने मुझे दिया था तो यहाँ से जो कॉन्फिडेंस था तो उस लेवल पर है और हमें हर बार चूँकि आप इंडस्ट्री में जानते हो जब हम पिच करते हैं कोई चीज़ तो लोग कहते हैं कि भाई इसको ले आओ उसको ले आओ जो नामी लोग हैं लेकिन उसके अलावा जो माला है ना जो माला का जो मोती है उसके अलावा मैं चाहता हूं कि जो अच्छे एक्टर हैं उनको ढूंढूं है ना बार बार चेक करूं कि जो हमने चुना है क्या उससे भी बेहतर कोई है क्योंकि डायरेक्टर से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होता आपके साथ हम खाना खा सकते हैं दारू पी सकते हैं बहुत अच्छा वक्त बिता सकते हैं लेकिन जब चुनने की बारी आएगी ना स्क्रीन के लिए तो वहां पर थोड़ा स्वार्थी होना पड़ता है कि नहीं यार यहाँ समझौते मत करो यहाँ दोस्ती यारी नाते रिश्तेदारी न निभाओ उस ये प्रोसेस होता है मुझे लगता है कि हर डायरेक्टर का ये प्रोसेस होता और नहीं। मुझे नहीं नहीं मुझे लगता है कि आप लगातार मेरे से ही बात करोगे तो बाकी मैं बस दो तीन दो तीन सवाल और करूंगा हाँ। फिर आगे बात करूंगा हाँ। आ, मैं अपने टीम से कहूंगा ये गेट बंद कर दीजिए बाहर की आवाजें जो, जो लोग चाय पी रहे हैं उनकी आवाजें अंदर आ रही हैं थोड़ा गेट बंद कर दीजिएगा तो हम लोग शांति से बात कर देगा जो लोग हॉल में भी हैं वो प्लीज आप बैठ जाइए तो हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे प्रियो तो थोड़ा बातचीत कम करेंगे तो आपको सुनने मजा आएगा भाई स्वरा फैसल मैं अभी अभी, ज़्यादा सुनने मैं के लिए पहले, पहले आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ उस खुशखबरी पे आप जोरदार ताली बजाइएगा कि अविनाश भाई को ये आदत है कि जब कोई नई पिक्चर बनाते हैं तो वो जगह शूट कहाँ हो कहाँ की चीजें दिखाई जाए उसके लिए महीनों घूमते हैं तो अविनाश भाई के मन में आया कि एक मोहब्बत एक बहुत सुंदर लव स्टोरी पे कहानी पे फिल्म बनाई जाए और वो कहानी कैसी हो जो दो गलियाँ किसी मोहल्ले की दो गलियाँ हैं उन गलियों के बीच की उपजी हुई प्रेम कथा हो पूरे देश के कई राज्यों में अविनाश भाई घूमे लेकिन मोहब्बत तो केवल लखनऊ में मिलती है तो लखनऊ की वो दो गलियाँ लखनऊ में मिली मोहब्बत की और शायद छः सितंबर को अविनाश भाई की पिक्चर आ रही है अविनाश भाई क्या नाम है उस पिक्चर का और कैसे आपने लखनऊ की वो मोहब्बत की दो गलियाँ ढूँढी कैसे देखिए भाई आ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक बहुत बड़े कवि गीतकार नवगीतकार हुए उमाकांत मालवीय उनके बेटे थे वसु मालवीय जो कि जवानी में गुजर गए कमलेश्वर जी के असिस्टेंट थे वो और वो बहुत अच्छे कथाकार थे उनकी तीन कहानियों का एक कोलाद जो है उनके बेटे पुनर्वसु ने लिखा और उसको हमने लखनऊ में पिछले साल शूट किया था बहुत सादा सी कहानी है जो इस देश में हो रहा है आजकल कि दो कौम सदियों से बहुत प्यार से एक जगह पे रह रही है और फिर व्हाट्सएप आता है थोड़ी राजनीति आती है और कैसे दोनों कम्युनिटी के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश करता है बहुत सिंपल नरेशन है उस फिल्म का कब आ रही है मतलब आपने मुझे पूछा है तो मैं सब बता रहा हूँ मुझे ये दे दीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद बाकी लोगों से सवाल करें और हमने फिल्म शूट की भाग्यश्री की बेटी है पहली बार वो हिंदी फिल्म में आ रही हैं नसीर साहब का लड़का है विवान शाह वो हैं जावेद जाफरी हैं हमारे इश्तियाक भाई जो कि हमारे मतलब आमतौर पे फिल्मों में मैं इनको रखता हूँ क्योंकि ये बड़े बड़ा पुण्य मिलता है इनसे हम लोगों को तो ये सब लोग हैं तो बहुत प्यार से एक फिल्म बनाई हमने सेंसर को को दिया और सेंसर का प्राइमरी जो मेंबर था उसने फिल्म देखी और उसको सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया भाई हम दो काम के बीच मोहब्बत की बात नहीं कर सकते क्या मैंने पूछा उनसे उन्होंने कहा कि सर आप भी जानते हैं कि आपने क्या बनाया है इसलिए आ, आपको हम रिवाइजिंग कमेटी को रेफर कर रहे हैं रिवाइजिंग कमेटी ने ढाई महीने तक फिल्म को की स्क्रीनिंग डेट ही नहीं दी हमको फिर वेदा का जो इशू आया बहुत सारे कट्स दिए वेदा को भेजा गया फिर रिवाइजिंग कमिटी में तो उनको मेरी फिल्म से पहले डेट मिल गई तो हमने फिर अपोज किया कि भाई हमारी फिल्म पहले से है आपके पास तो पहले हमें डेट दीजिए रिवाइजिंग कमिटी ने देखी और उसमें से कुछ डायलॉग्स को रिमूव करने के लिए कहा एक डायलॉग है जैसे मैं बता रहा हूं कि आजकल हर चाय वाले में एटीट्यूड आ गया है कहेंगे हाँ। हर चाय वाले में किस चाय वाले में आ गया है। अरे लेकिन इसको टेक्निकली आप कैसे खारिज कर सकते हो भाई सटायर नहीं कर सकते हम बोर्ड के मेंबर की हालत देखिए और बेचारे दिखा दे चाय वाले बड़ा एटीट्यूड वही बता रहा हूँ फिर उसने एक और डायलॉग है देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की राजधानी नागपुर है इसको रिमूव कर दो नागपुर की जगह कोई भी शहर ले आओ है ना इस तरह के डायलॉग जैसे एक अविनाश भाई एक सेकंड आपने आपने वो दिल्ली की राजधानी नागपुर है आप इतने सीधे नहीं है कि आपको पता नहीं हो कि संतरे के लिए नागपुर मशहूर नहीं है वो कोई झंडे कोई के लिए मशहूर है नहीं नहीं, है है पे झंडा नहीं नहीं फहराया गया ठीक इस 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 ये कोई ऐसी बात नहीं है ना गाली नहीं है नहीं हाँ गाली नहीं है फिर एक नारा है उसमें जो एंटीगोलिस्ट देता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को उसने कहा कि ये नारा हटा दीजिए हमने कहा कि इसमें क्या बात है भाई ये तो देश के लिए बात है नहीं नहीं ये हटा दीजिए आप तो उन्होंने मुझे लड़ाई एक भैया डायरेक्टर की तीन डायलॉग कि हर चाय वाले हाँ। में एटीट्यूड आ गया है दिल्ली की राजधानी नागपुर है और गोली मारो सालो को कहने वाला देश का मिनिस्टर लेकिन सेंसर बोर्ड कह रहा है कि ये चीजें चला नहीं सकते आप कोर्ट जा रहे हैं कोर्ट जा रहे हैं और हमको लगता है कि एक आध हफ्ते डेट बढ़ानी ही पड़ेगी तो हमारे प्रोड्यूसर तैयार हैं और हम अगले महीने आ रहे हैं सिनेमा हॉल में लेकिन ये लड़ाई जीतने के बाद क्योंकि मुझे लगता है कि कोर्ट में ये कोई इशू बनेगा नहीं पिक्चर ना? का नाम क्या है इन... पिक्चर का नाम पहले था यू शेप की गली है ना यू गली ठीक है लेकिन फिर हमने सर्वे करवाया हमारी अनारकली का नाम भी पहले कुछ और था फिर बाद में कुछ और आया तो अब इस फिल्म का नाम है इन गलियों में छः सितम्बर को रिलीज़ हो रही है ये बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको लखनऊ की मोहब्बत हमें छः तारीख़ को दिखाई देगी एक आखिरी सवाल कि अगर आप जैसे डायरेक्टर के सामने कश्मीर फाइल द केरला स्टोरी की स्क्रिप्ट आ जाए कि डायरेक्शन करिए कश्मीर फाइल्स का द केरला स्टोरी जैसी पिक्चरों का तो आप क्या करेंगे देखिए ऐसा है कि पिछले साल मुझे स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने बुलाया था दिल्ली और उन्होंने कश्मीर पे मुझे एक स्क्रिप्ट दी और छः महीने का वक्त दिया बीस करोड़ रुपए ऑफर किए मैं मंच से बोल रहा हूँ आपके है ना क्योंकि मेरे पास मेल में सारा कुछ है बीस करोड़ रुपए दिए कि बनाइए एन से और मुझे लगा कि यार मैं अगर ये फिल्म बना लूँ 25 30 परसेंट बजट में फिल्म बन जाएगी बाकी पैसे से मैं ऐश कर सकता हूँ लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मैं सोरा को कैसे मुंह दिखाऊंगा संजय शर्मा से कैसे मिल पाऊंगा इश्तियाग भाई के पास कैसे जाके मटन खा पाऊंगा मैं वहां से लौटा और एक हफ्ते बाद मैंने उनको बताया कि मैं इतने कम समय में फिल्म नहीं मैं आउटराइटली मैंने रिजेक्ट नहीं किया बहुत पोलाइटली मैंने कहा कि मेरे से नहीं हो पाएगा किसी और से आप बनवा लीजिए तो ये देखिए ये आज फोर पी के मंच पर चर्चा करने का उद्देश्य यह भी था कि आप जान सके आप सभी लोग जान सके कि इस देश में अभी भी ऐसे रीढ़ की हड्डी वाले डायरेक्टर हैं जो समाज को बांटने वाली नफरत की राजनीति को सिरे से नकार देते हैं